जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर सरकार ने कसा शिकंजा, गृह मंत्रालय सीधे विदेशी फंड लेने पर लगाएगा प्रतिबंध। मुंबई के अंबोली में हुई बेहद दर्दगी भरी वारदात, एक महिला से आठ लोगों ने किया गैंग रेप। सात आरोपियों ने अदालत में 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, एक की देर से हुई गिरफ्तारी, कल अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र में काम नहीं करने वाले बाबू और कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा नहीं सुधरे तो दिखाए जाएंगे दरवाजे बाहर के। नागपुर में अलग विदर्भ राज्य के निर्माण पर मुख्यमंत्री ने कहा नहीं बदला है रुख, अलग विदर्भ का समर्थन लेकिन केंद्र केंद्र के बाले में। अलग विदर्भ राज्य बनाने की शुरू से विरोध ही रही है शिवसेना, 2014 के कैंपेन के दौरान बीजेपी ने किया था विदर्भ के निर्माण का वादा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया मुंबई के लिए बड़ा ऐलान, जल्द ही मुंबई को बनाएंगे देश का क्रूज पर्यटन केंद्र। गोवा में 6 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों का आम आदमी पार्टी ने किया खुलासा, अगले साल होने हैं गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव। आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेंद्र वोरा की हत्या के बाद बीएमसी हुई सजग, अधिकारियों को अपने अपने वार्ड्स में हो रहे गैर कानूनी निर्माणों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए गाइडलाइंस जारी की। मुंबई में शुरू होगी 2 नई रेल लाइन्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के तहत पनवेल से वसई और सीएसटी से पनवेल एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनेगा। सांगली में अपने स्कूटर के हैंडल पर कोबरा नजर आने से थमी स्कूटर सवार की सांसें, स्पीड धीमी कर स्कूटर से कूदकर बचाई जान। गढ़चिरौली में नक्सल प्रभावित भामरागढ़ तहसील के गांव लाहेरी में पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ मनाई दिवाली। इस दिवाली में कम पटाखे बिकने से चीन की कंपनियों को 250 करोड़ रुपए का नुकसान, मुंबई में लगभग 500 करोड़ का चाइनीज पटाखों का है बाजार। 53 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 27,876 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, आधा अंक बढ़कर 8,626 पर बंद। सोने की कीमतों में दर्ज गई 50 रुपए प्रति तोले की बढ़त, 30,700 रुपए हुए 10 ग्राम का भाव। चांदी की कीमतों में 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा, 43,200 रुपए किलो हुई चांदी। रुपया 12 पैसे मजबूत, $1 के मुकाबले 66.67 रुपए। ब्रांड वैल्यू में 47% कमी के बावजूद फोर्ब्स के फैब 40 लिस्ट में शुमार हुए धोनी, टॉप पर हैं फेडरर। सितंबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची कार सेक्टर की विकास दर, 5% का इजाफा। पिछले 4 सालों में टाटा मोटर्स ने इस अक्टूबर में बेची सबसे ज्यादा कारें, 28% की बढ़त। दिल है मुश्किल के बारे में दर्शकों की राय जानने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे करण जौहर, लोगों से की बातचीत।